bow down prostrate. You are the only one worthy of जैसे गैर मुकल्लद कहता है, कहता है इमामे अबू हनीफा ने फरमाया मेरे मसले को हदीस पे पेश करना, हदीस पे चेक करना, अगर हदीस के मुताबिक हो तो ले लेना, हदीस के मुखालिफ हो तो लेना ना लेना। मैंने कहा ठीक है, मेरे इमाम का कौल है लेकिन चेक तो करना है। अरे चेक करने के लिए चेकर भी तो चाहिए ना, बताओ चेकर कौन होगा? अरे चेकर होना चाहिए, चक्करबाज नहीं होना चाहिए। अगर चक्करबाज से चक्कर आएगा नतीजा और निकलेगा, अगर चेकर से चक्कर आएगा तो नतीजा और निकलेगा। अगर डॉक्टर तुझे नुस्खा लिख के दे दे और के मेरे नुस्खे को चेक करा लेना, अगर ये गलत हो तो गटर में फेंक देना। तू मोहल्ले के मौची के पास जाए, कहा मेरे डॉक्टर का नुस्खा देखना। मौची ने कहा नहीं नहीं, अरे इस दवाई से तो बू आती है, तूने उसको गटर में फेंक दिया। वापस किया, क्या बना? डॉक्टर जी पैसे वापस दे दो। डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ? कहा जी आपकी दवाई से स्मेल आती थी और मैंने चेक कराया तो मौची ने कहा दरिया में फेंक दो, मैंने गटर में फेंका है। उसने पूछा वजह? आपने कहा नहीं था चेक करवाना। तो डॉक्टर ने पूछा चेकर कौन था? तूने कहा जी मोची था। डॉक्टर ने कहा बाबा अरे मेरे नुस्खे को मोची से चेक कराएगा, मेरे नुस्खे को तो जूती पॉलिश करने वाले से चेक कराएगा। अरे चेक कराने का मतलब ये था मुझसे सीनियर डॉक्टर के पास जाता। इमाम अबू हनीफा ने फरमाया मेरे मसले को भी चेक कराना, लेकिन चेकर ये नहीं होना चाहिए जो गंडेरियां बेचता है और बगल में बुखारी रखी है। अरे चेकर वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए जो मुद्योबंदी को मुशरिक कह के मुशरिक से ज़कात भी वसूल करता है। يا حامل القرآن